नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार में राजधानी पटना से सटे दानापुर में बच्चे के अपहरण के मामले में कुख्यात रवि गोप ने अब कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि बीती 7 दिसंबर 2020 को शादी के मंडप से उन्हें अरेस्ट किया गया था, लेकिन अरेस्ट होने के एक दिन बाद ही वो पुलिस की जमानत से फरार हो गया। अब ऐसे में दोबारा से रवि गोप ने खुद ही कोर्ट में जाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया है। इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में बच्चे के अपहरण व हत्या के मामले में फरार कुख्यात रवि गोप ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में उसे जेल भेज दिया गया। दरअसल दीघा थाना क्षेत्र में हुए एक फायरिंग के मामले में बीते 7 दिसंबर 2020 की रात उसे एसटीएफ और दीघा थाने की पुलिस ने अथमल गोला से पकड़ा था। उसकी गिरफ्तारी शादी के मंडप से की गई थी, लेकिन जेल जाने के बाद दूसरे दिन यानी 9 दिसंबर की सुबह वह जमानत पर बाहर आ गया और पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। इसके बाद से ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही थी। पिछले कई दिनों से पुलिस की दबिश बढ़ने पर रवि गोप ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अपहरण व हत्या समेत कई मामलों में फरारी के चलते उस पर पूर्व में ही 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। रवि गोप के कोर्ट सरेंडर करने की पुष्टि दीघा थाना प्रभारी राजेश कुमार ने की है। पुलिस के मुताबिक रवि गोप वर्ष 2018 से ही फरार चल रहा था। इस दौरान वह विवादित जमीन का निपटारा करवाने के नाम पर लोगों से बतौर रंगदारी रुपए वसूलता था। 6 से अधिक केस उस पर दर्ज थे। रवि पर माखन और मुकेश की हत्या करने का आरोप भी लगा था। दीघा में जमीन के मामले में गोली चलाने की FIR भी दर्ज की गई थी। गर्लफ्रेंड के जरिए अपराधी तक पुलिस पहुंची थी। बीते दिसंबर के महीने में दीघा के तत्कालीन थाना प्रभारी को रवि के बारे में अहम सूचना मिली कि रवि गोप राजीव नगर में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने जा रहा है। एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम अपराधी की गर्लफ्रेंड की रेकी करने लगी। पता चला कि अथमल गोला इलाके में रवि गुपचुप तरीके से शादी करेगा और गर्लफ्रेंड का ही पीछा करते हुए पुलिस ने रवि गोप को धर दबोचा। तो आपको बता दें कि बीते 7 दिसंबर 2020 में जब रवि गोप अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने जा रहा था, ये सूचना जब पुलिस को मिली तो गर्लफ्रेंड की रेकी पुलिस करने लगी और उसके बाद शादी के मंडप से ही रवि गोप को धर दबोचा गया था। लेकिन उसके बाद जमानत मिलने के बाद तुरंत रवि गोप ने पुलिस को चकमा दिया और वो फरार हो गए। अब लेकिन खुद ही रवि गोप ने कोर्ट में जाकर सरेंडर किया है। फिलहाल वो जेल में है और इसकी जानकारी खुद दीघा थाना प्रभारी ने दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।